का जो है ड्रोन उड़ गया, बहुत ही प्यारे हैं। दोस्त अली है जो कराची से आया हुआ है, इसने एक ड्रोन पकड़ा हुआ है, पता नहीं कितने दिनों से 3-4 घंटे हो रहे हैं इससे उड़ ही नहीं पाता है। मेरा एक दोस्त बुलाऊं वो उसको बाले 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 हाथ से अफजल जो है हाथ से उड़ा रहा है। हेलो इधर कुछ भी नहीं आएगा, असल में जानते हो क्या वजह हो सकती है इसकी ड्रोन ना उड़ने का? इसके जो पहले बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे बाल थे, आज जो छोटे छोटे बाल है। क्या किया हुआ, गंजा किया हुआ? ओह माशाल्लाह खूबसूरत। ये वही आखिरकार अली का जो है ड्रोन उड़ गया। इतनी शिद्दत और मेहनतों के साथ साथ जो है अली का ड्रोन उड़ गया। ये अली भाई ड्रोन उड़ा रहे। ये भाई मेरे साथ है मेरे दोस्त जो है यूट्यूबर है। आज हमारे जो है उरमाड़ा सफारी उरान सफारी में जो है कंसर्ट एंजॉय कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं हमको। क्या कहते हो भाई हमारे कंसर्ट के बारे में? यार मतलब पहली दफा मैंने देखा है कि मतलब मैं लास्ट ईयर भी हुआ था कॉन्सर्ट और मैं नहीं आ पाया था, लेकिन इस दफा मैं आया हूँ और यहाँ देखे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लोग आके जुड़े हुए हैं, काफी ब्लॉगर्स आए हुए हैं, एक दूसरे के ब्लॉग्स में आ रहे हैं, एक दूसरे के एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। और आप लोग भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें भाई को और एंजॉय करो। आप लोग मेरे साथ है मेरे उस्ताद मेरे टीचर और बलूची शायर माया नाज शायर ज़ुबैर मुख्तार साहब, आज ये भी जो है कॉन्सर्ट एंजॉय करने आए हुए हैं पस्ती बलूचिस्तान से। ज़ुबैर सर आप क्या कहते हो इस कॉन्सर्ट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमीज़ उन चंद बंदों में से है जो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अखलाक और दिल के मालिक हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आजकल रमीज़ व्लागर बन गए हैं, व्लाग करते हैं और उनकी अपनी एक टीम है मखान की मेरे ख्याल में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं असल में इस प्रोग्राम में एज एन होस्ट इनवाइट किया गया हूं, मुझे स्टेज दिया गया है कि मैं स्टेज को होस्ट करूं, स्पेशली बलूची स्टेज को होस्ट करूं। मैं बलूची का शायर हूं, बलूची में शायरी करता हूँ। तो जितने भी रमीज़ के व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं उन सबको मेरी तरफ से स्पेशली मोहब्बतों प्यार भरा सलाम और ये दुआ के ये जो 2022 शुरू हुई है अभी ये उनके लिए नेक और खुशबख्तियों का साल हो। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। उर्दू में गुंजाइश है तो रमीज़ को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों से भी करवाओगे सब्सक्राइबर, और कुछ नहीं बस सब्सक्राइबर करना है रमीज़ को। थैंक यू, मेहरबानी, सलामत बात है। विलागर अच्छी अस्तम बलूची मैंने कुछ कहा था कि अतकना रमीज़ अमरा है फरीद है लाती संगता नहीं मनावा था ना हानियो मेहनत वारा कि आ ये बड़ी धुआं यार कवरेज दें दरवाजे हम दफा। भाईजान ये है मेरे दोस्त अजीजी करीबी और मेरे जो है कलीग, हम जो है बैंक में साथ में काम करते थे, सिराज अहमद सिराज दिलजान और बलूची लेजेंड सिंगर है माशाल्लाह। और जो है इसके एक एल्बम भी आया हुआ है और तीन चार गाने भी आए हुए माशाल्लाह, बहुत मशहूर बहुत सुरीली आवाज़ है इनकी। और आज जो है उरान सफारी कंसर्ट में जो है परफॉर्म करने के लिए आए हुए हैं, देखते हैं सिराज भाई क्या कहते हैं। सिराज साहब क्या हाल है? मुझे क्या है ठीक ठाक में बहुत अच्छा था आज का इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स हर महीने में हर तकरीबन 2 महीने के बाद होना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो यंग हैं हमारे स्टूडेंट जो
स्टूडेंट्स हैं वो चाहते भी यही हैं, क्योंकि वो यहाँ पर लाहौर में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्वेटा में पढ़ रहे हैं, माहौल ऐसे इस तरह की मिल रही है, लेकिन हमारे इलाके में इस तरह के माहौल कम होते हैं। तो इसी वजह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसी यूनिट्स होना चाहिए हमारे इलाके में, और अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे नौजवानों के लिए। और जैसे सैयद मेयर जनूरी ने इतना बड़ा कदम रखा, बोलान सफारी के बारे में क्या कहोगे? बोलान सफारी माशाल्लाह अच्छी कोशिश है सैयद मेयर जनूरी का, और अच्छी फैलानेंगे इसमें, और भी इसमें कुछ ऐड होने वाले मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे कुछ हैं, अभी तक नहीं आए, अभी इंशाल्लाह आएंगे 2023 को। साथ हैं नईम बिल्कुल साहब ने जो एक गाना गाया था अर्जी का नाम गुलाल होती है, उसमें एक लड़का परफॉर्म कर रहा है बड़े बालों वाला और बलूची गेटअप में। ये लड़का है ये भाई मखदूम बलोच, कहाँ से हो? मुराद बलोच, मैं कराची से हूँ, मलीर में रहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और क्या कहते हो, आज कहाँ पे आए और आपको प्रोग्राम कैसा लगा? जी ये तो मेरा मतलब पहली दफ़ा नहीं और माना है, मैं आता जाता रहता हूँ। अच्छा। मैं जानूमत के साथ हूँ, जानगढ़ के साथ हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जानगढ़ के साथ? जी जी, मैं उनके साथ हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे जो इवेंट होता है आपको पता है तो धमसा होता है। हाँ बिल्कुल, आप लोग को बताता चलूँ कि मखदूम बलोच जो है फनकार के अलावा सिंगर भी है। जी जी, आज उन्होंने जो है गाना गाया था वो आप मैं व्लॉग में डालूंगा, लैला वो लैला, मैंने वीडियो भी किया था माशाल्लाह। लिंक भेज देना, लिंक भेज दूंगा। अमीर शरीफ के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो बेल आइकन होता है एक घंटी उसको भी दबा दो यार। थैंक यू, थैंक यू। सादिक अली, उसामा बलूच, एहसान आसिर, अमीन करीम, रमीज, यासिर करीम, आयार बलूच, मुशा मिनता गिरा गुमारा अमरा बुतगा वाजा चौबादरा गुमारा सफर बुतगा आपकेगा मारा महेश दाता एजल दाता सुमनक मिनत
मना जनी प्रोग्राम सिंह के बुक खत्म सके वशिंग प्रोग्राम या मारा एंजॉय सको वाले पोटमोट सिंह तक गप देगे चीज प्रेम तो तवे मां मना के प्रेम तो गन जरूरी प्रेम में पा दी चीज कि बोले नहीं प्रेम को जाएगा का जल्दी कर मान औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आमीन मचे वन तो आमीन गो सरवा तो बस दुआ ही वंत मां आमीन गो ना यार प्रोफेशनल व्लॉगर मर्द में यत के अच्छा ठीक है आओ आओ शायद ड्रोन सिस्टम सिस्टम हमारा सत्य ना मन जियो व्लॉगर है अच्छे करे एन मान ना ना जाने गुडा साम बोलो से YouTube चैनल हैस्ते ओसा मां बोलोच बोले ओसा बोलोच लिखी अर्च के बोलो कन्ने मेहनत वार ऊषा नया अमर जीवत गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम कल रात जो है हम 5 बजे गेस्ट हाउस आए हुए हैं उरमाड़ा के अभी सारी रात जो है स्टे करके सारे दोस्त अभी उठे हैं ये बाकी सारे व्लॉगर दोस्त में मेरे साथ हैं नाश्ता कर रहे हैं और देखते हैं भी कौन कितना कितना खाता अभी ज़्यादा नहीं खाओ थोड़ा थोड़ा खाओ अफसोस हुआ गए थे कैमरा फिल्टर सर फिल्टर सर नहीं शौक ना कोती तरह माना शौक है कोता पर पर्सनली मारे बेगिन दम आओ से आसे हम पता है दा ऐसे केस पे ता पर्सनली तो कासना चाहिए भाई ये जरीन खान है उरमाड़ा के रिहायशी हैं ये वाहिद बलोच यूट्यूबर हैं जो जिसने पाकिस्तान सोलो बाइक ट्रेवल किया था आज जो है हम कल रात को भी जरीन भाई के पास ठहरे हुए थे इन्होंने जो है सारा अरेंजमेंट किया हुआ था आज का नाश्ता और रात के स्टे वगैरह उरमाड़ा के रिहायशी बहुत ही अर्दिल अजीज शख्सियत है माशाल्लाह क्या कहते हो अजीज बस यार आप लोग आए हो ये था कि मेरे जो तबीयत थोड़ी मतलब वो सही नहीं थी क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता जी हाँ सुना था आपके बारे में आपके जी हाँ पैर में वरना मैं आप लोगों को मतलब जो हिंड तक आप लोगों के साथ जहाँ जाना इधर उधर मैंने कहा मैंने फिर भी कुछ भी नहीं किया जो मुझे करना था नहीं आपने तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग फिर जरूर आएंगे हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी पसंद आ जाएं तुरबत आ जाएं बिल्कुल 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 आप लोगों की मेहरबानी जो आप लोगों ने मतलब इतने थैंक यू आपकी बड़ी मेहरबानी तो मुझे समझ के मेरे पास मतलब आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह थैंक यू अच्छा अभी हम जो है उरमाड़ा से निकल रहे हैं उरमाड़ा जो है चेकआउट कर रहे हैं और जो है बाकी दोस्त गले मिल रहे हैं रुख्सत कर रहे हैं जरीन भाई को हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ये फरीद भाई अभी लास्ट में एंड में आया मैं हर वक्त भूल जाता हूँ आपका इंटरव्यू लेने क्या क्या हाल है फरीद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बिंदास क्या कहते हो उरमाड़ा के बारे में उरमाड़ा बेस्ट जगह है अच्छा उरमाड़ा का व्यू और ग्वादर का थोड़ा सा सेम है ये तो एक जैसा है लेकिन उरमाड़ा छोटा है ग्वादर बड़ा है वहाँ का आबादी थोड़ा ज्यादा है यहाँ का आबादी कम है मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है उरमाड़ा का विजिट जरूर करें आ जाएं चक्कर लगाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बारे में क्या कहोगे यार रमेश भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दे दें ताकि अगले वीडियो में जो है मेरी कुछ भी गलतियां वगैरह हो तो फिर उसको क्या ऐड करना चाहते हैं आप व्लॉग भी उसामा भी जो है अपने डीएसएलआर से बना रहा है लेकिन मेरा दिल भी जला रहा है मेरे पास डीएसएलआर नहीं है इसलिए तो लेके आप लोग दुआ करें मैं भी डीएसएलआर ले लूं और जो है गोप्रो ले लूं ड्रोन ले लूं आप लोग मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह ताला आप लोग आपको इंशाल्लाह एक दिन मिल जाएगा ठीक है इंशाल्लाह बस मेहनत करते रहो ओके अल्लाह हाफिज़ थैंक यू अपना ख्याल रखें अपने और हमसे उफ तो कुछ मनारा दोस्त बे